हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज बनाते हैं बेसन की सब्ज़ी। और बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए हम एक कटोरी के लगभग बेसन ले लिए हैं और उसे अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंट लेंगे। और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, तो ये हम बेसन फेंट लिए हैं। अब हम एक तवे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे, लोहे का तवा होना चाहिए या नॉन स्टिक का तवा, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल के और बैटर को फैला देंगे। और जब बैटर एक तरफ से अच्छे से सूख जाए तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करके इसे हम निकाल देंगे, बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर इसी तरह से हम दूसरा भी रोल बना लेंगे। तो इसके लिए हम फिर तेल डालेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे और बैटर डालेंगे और फिर उसे फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हम इस तरह से पीसेस बना लेंगे बेसन के और इसे कट करके एक साइड में रख देते हैं। अब हम दूसरी तरफ एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें सरसों लेंगे 1 चम्मच के लगभग, जीरा, मरीच और धनिया, सब खड़ा मसाला रहेगा, और सूखा मिर्चा। इसे हम एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे सरसों का और उसमें 2-4 सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता और 1/2 चम्मच के लगभग मेथी डालेंगे। और डाल के जो मसाला हम तैयार किए हैं उसे डाल देंगे सरसों वाला, और डाल के इसे अच्छी तरह से भूनना है। इसमें हम एक आम का अचार भी पीसे हैं खटाई। अगर आपके पास आम का अचार ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और वो भी ना हो तो आप दो टमाटर के लगभग डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सरसों पड़ा है। तो सरसों वाली सब्ज़ी में टमाटर या आमचूर या आम का अचार ज़रूर डालना चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ खड़े पीसे मसाले भी डालेंगे, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब ये भून जाए तो आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और पानी को पका लेंगे। जब पानी अच्छे से पक जाए तब हम जो बेसन का रोल फोल्ड करके रखे हैं, कट करके रखे हैं, उसे इसमें डाल देंगे और डाल के 2 मिनट बस इसे खौलाएँगे, ताकि ये अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाए, नहीं तो ये टूट जाएगा। और इसे ढकना नहीं है, खोल के ही पकाना है। तो देखिए ये बेसन की सब्ज़ी तैयार है। इसे इधर बेसन की मछली भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी कैसी लगी?